गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम कॉन्ट्रैक्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख ऑन 1st August 2016। ऑन 31st March 2017 व्हेन द अकाउंट्स वर क्लोज्ड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज दिस: कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोशनल प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। अब इस कैलकुलेशन से हम सारी चीज़ें कर लेंगे। चलिए समझाते हैं कैसे होंगी। देखिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपका है ₹5 लाख का, ठीक है जी। कैश रिसीव्ड है ₹2.5 लाख और ये रिप्रेजेंट कर रही है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इससे हमारा वर्क सर्टिफाइड निकल आएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 80%, तो ये 3 लाख हो गया। नहीं नहीं 3 लाख कैसे, 3,12,500, ठीक है जी। सो इससे मेरा निकलेगा कि भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गई हमारी, पहला आंसर ये आ गया। दूसरा पूछा इन्होंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये हमारी होगी 3,12,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख, दैट कम्स टू 62.5%, ठीक है। 62.5% आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा इन्होंने पूछा है आपसे नोशनल प्रॉफिट कितना था। चलिए, सो प्रॉफिट ट्रांसफर इज इक्वल टू होता है नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3। 2/3 कब लेते हैं, जब वर्क सर्टिफाइड होता है 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये हमें दे रखा है 80,000 है। 80,000 इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू 80%, ठीक है। सो नोशनल प्रॉफिट क्या होगा, 80,000 इंटू 3/2 इंटू 100/80, ये आ गया हमारा 1,50,000, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट आपका आ गया 1,50,000। चौथा पूछा आपसे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस नोशनल प्रॉफिट। वर्क सर्टिफाइड आपका 3,12,500 है, वर्क अनसर्टिफाइड आपका 1,20,000 है और 1,50,000 आपका नोशनल प्रॉफिट है। 2,82,500 दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक हो चुका है, ठीक है। समझ आ गया, और कुछ है? नहीं, थैंक यू वेरी मच।